नमस्कार, संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, जिसे आप सब लोग SGPGI या PGI के नाम से बेहतर जानते हैं। मैं VK कपूर आपका स्वागत करता हूं। जैसा हम सब जानते हैं, पिछले एक साल से न सिर्फ हमारा देश बल्कि पूरा विश्व कोरोना की महामारी से जूझ रहा है। इस बीमारी ने न सिर्फ हमारी जीवन शैली बदल दी बल्कि बहुत से लोगों की जान भी ली। सौभाग्य की बात है कि हमारे देश में इतनी बड़ी आबादी 1 अरब से भी ज़्यादा होने के बावजूद हाल में कोरोना के केसेस की संख्या धीरे धीरे कम हो रही है और पिछले कुछ दिनों में ये 20,000 से भी कम हो गई है। जबकि इसी समय अन्य देशों जिसमें अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देश शामिल हैं, वहाँ ये संख्या अभी भी काफ़ी ज़्यादा है। इसी बीच एक खबर आई कि कोरोना वायरस का एक नया स्ट्रेन यानी वायरस का एक नया रूप सामने आया और ये और ज़्यादा तेज़ी से और ज़्यादा आसानी से फैलने वाला उसका रूप है। इसका मतलब ये है कि ये स्ट्रेन जहाँ जहाँ होगा वहाँ ज़्यादा केसेस होने की आशंका हो जाती है। ये स्ट्रेन UK यानी इंग्लैंड में शुरू हुआ, लेकिन क्योंकि लोग एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते हैं, इसके कई देशों और हमारे देश में भी ये स्ट्रेन अब पाया गया है। लेकिन साथ ही पिछले 1-2 महीने में एक अच्छी खबर भी आई, अंधेरे में एक उजाले की किरण आई कि वैक्सीन कोरोना की बना ली गई है। तो आज इसी विषय पर, वैक्सीन क्या है और ख़ासतौर पर कोरोना की वैक्सीन क्या है, चर्चा करने के लिए मेरे साथ हैं संस्थान के 3 विशेषज्ञ। मेरे साथ हैं संस्थान के क्लिनिकल इम्यूनोलॉजी विभाग की अध्यक्षा डॉक्टर अमिता अग्रवाल। इम्यूनोलॉजी, जैसा कि आप सब लोग आजकल इम्यूनिटी वर्ड सुन रहे हैं, हमारे शरीर की रोगों से लड़ने की जो क्षमता होती है उसको हम इम्यूनिटी कहते हैं। तो इस तरह की बीमारियों का संस्थान में एक विशेष विभाग है, क्लिनिकल इम्यूनोलॉजी विभाग। मेरे साथ हैं संस्थान की क्रिटिकल केयर मेडिसिन, जिसे आप लोग के नाम से बेहतर जानते हैं, विभाग प्रोफेसर और अध्यक्षा डॉक्टर बनानी पोदार। साथ ही मेरे साथ हैं संस्थान में वरिष्ठ चिकित्सक फिजिशियन डॉक्टर प्रेरणा कपूर। और इन 3 विशेषज्ञों के साथ आज हम वैक्सीन और कोरोना वैक्सीन के बारे में आपके साथ चर्चा करेंगे। तो डॉक्टर प्रेरणा, पहले हमारे दर्शकों को ये बताएं कि वैक्सीन क्या है, वैक्सीन का क्या मतलब है। थैंक यू डॉक्टर कपूर सर, दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यदि हम आसान शब्दों में समझें तो वैक्सीन एक ऐसा बायोलॉजिकल प्रोडक्ट है जिसे हम शरीर में देते हैं, या तो ओरली मतलब कि मुंह से, या फिर टीकाकरण के माध्यम से, ज़्यादातर टीकाकरण के माध्यम से। उससे जिसे भी ये दिया जाता है उसके शरीर में अपने आप उस रोग से लड़ने की क्षमता पैदा होती है। तो बिना बीमारी के वो जो है उस बीमारी के लिए इम्यूनिटी उसको हो जाती है। जैसे कि हम जानते हैं कि पोलियो की ओरल वैक्सीन आती है और इसी तरह से टेटनस की इंजेक्शन आते हैं। तो बिना उस बीमारी के हुए, क्योंकि हम यूज़ करते हैं या तो एक वही वायरस जिसको हमने बहुत ही कमज़ोर कर दिया है, वीकन कर दिया है, जिसको हम लाइव अटेन्यूएटेड कहते हैं, या उसका कोई एक पदार्थ जिसको हम बायोलॉजिकल सब यूनिट, प्रोटीन सब यूनिट वगैरह कहते हैं, जिसके माध्यम से शरीर में जाके वो एंटीबॉडीज़ को प्रोड्यूस करने के लिए हमारे शरीर को स्टिम्युलेट करता है। डॉक्टर अमिता, पिछले कुछ दिनों में विश्व के कई देश जिसमें हमारा देश भी शामिल है, कोरोना की वैक्सीन बनाने में जुटे हुए हैं। तो किसी भी बीमारी की वैक्सीन बनाने की प्रक्रिया क्या होती है, इस बारे में हमारे दर्शकों को थोड़ा समझाएं। थैंक यू डॉक्टर विनय। वैक्सीन बनाने के लिए प्रमुख 3 स्टेप होते हैं। पहला कि हम वैक्सीन के लिए उस कीटाणु का कौन सा भाग प्रयोग में लाना चाहते हैं, वो उसका एंटीजन हो सकता है, पूरा वायरस हो सकता है, पूरा बैक्टीरिया हो सकता है, या हम कोई उसका पार्ट अपने आप टेक्नोलॉजी से बना सकते हैं। उसके साथ हमको उसकी इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करने के लिए कुछ और पदार्थ भी डालने पड़ते हैं। तो पहले के कुछ समय 5-7 साल इसी में लग जाते थे
कि कौन सा सबसे बेहतर चीज़ होगी जो सबसे बेहतर इम्यूनिटी देगी इसको पता करने में। उसके बाद दूसरा स्टेप होता है कि उसको हम एनिमल्स में ट्राई करते हैं। एनिमल्स में हम दो चीज़ देखते हैं कि वो एंटीबॉडी और इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट कर रहा है कि नहीं, और दूसरा वो सेफ है कि नहीं। जब हम ये दोनों स्टेप कर लेते हैं उसके बाद ही हम अपना जनरल पॉपुलेशन में उसको ट्राई करते हैं। वो भी स्टेप वाइज किया जाता है। पहले हेल्दी लोगों को 30 से 40 लोगों को देकर यह देखा जाता है कि कितनी डोज की ज़रूरत है और वो सेफ है कि नहीं है। जब उनमें सेफ्टी पाई जाती है तब फेज़ टू ट्रायल की जाती है जिसमें हम लोग उसकी इम्यूनोजेनेसिटी को टेस्ट करते हैं। उसके बाद एक बड़े पैमाने पर ट्रायल की जाती हैं जिसको हम फेज़ थ्री ट्रायल कहते हैं, जो आजकल सब लोग सुन रहे हैं। उसमें कई हज़ारों लोग लिए जाते हैं, 20,000 से 60,000, 70,000। वो डिपेंड करता है कि आपकी जो आप बीमारी के अगेंस्ट वैक्सीन दे रहे हैं वो कितनी कॉमन है। और उसमें आधे लोगों को वैक्सीन दिया जाता है, आधों को नहीं दिया जाता। और यह देखा जाता है कि जिनको वैक्सीन दिया गया उनमें क्या बीमारी, जिनको नहीं दिया गया उनके बनिस्पत कम हुई कि नहीं हुई। ये ही जो मापदंड है वो बताता है कि वैक्सीन इफ़ेक्टिव है कि नहीं। जो आप लोग आजकल सुन रहे हैं, हर कोई ये पता करना चाह रहा है कि वो वैक्सीन कितना इफ़ेक्टिव है, कितना सेफ है। ये दोनों का पैमाना हमको फाइनली फेज़ थ्री ट्रायल से पता चलता है। नॉर्मल वैक्सीन जो पुराने ज़माने में होते थे उसमें इसमें 10 से 15 साल लग जाते थे एक वैक्सीन आने में, क्योंकि अब टेक्नोलॉजी इतनी आगे बढ़ चुकी है। और इस साल हर गवर्नमेंट ने अपना पैसा, समय और अपना साथ दिया है। इस कारण से ही हम लोग COVID-19 के लिए एक साल से कम समय में कई वैक्सीन बना सके हैं। कोरोना की वैक्सीन हमारे देश में और अन्य देशों में आ गई है, इसका इस्तेमाल भी शुरू हो गया है। लेकिन बहुत सी ऐसी बीमारियां पहले भी रही हैं जिनकी वैक्सीन हम इस्तेमाल करते रहे हैं। तो डॉक्टर बनानी, कुछ उदाहरण देके हमें समझाएं कि क्या ऐसी बीमारियां थीं जिनको अब तक वैक्सीन के उपयोग से उनके होने की जो संख्या है उसको कम किया गया, या उस बीमारी को बिल्कुल ही ख़त्म हमने और बाकी देशों ने किया है। थैंक यू डॉक्टर कपूर। जैसे हम सब जानते हैं कि बच्चों में कई सारे वैक्सीन दिया जाता है, जन्म के तुरंत बाद BCG, हेपेटाइटिस बी दिया जाता है, फिर आगे चल के DPT यानी कि डिप्थीरिया, हूपिंग कॉफ और टेटनस की जो वैक्सीन है वो दिया जाता है। आजकल तो उसको भी कंबाइन किया गया है हेपेटाइटिस बी और हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा वैक्सीन से। इसके अलावा न्यूमोकॉकल वैक्सीन है, जो हमारी सबसे बड़ी जीत है वैक्सीन के मामले में वो है स्मॉल पॉक्स के अगेंस्ट। हम सब जानते हैं कि जब हमारे माँ बाप छोटे थे तब स्मॉल पॉक्स था, और उसके बाद वैक्सीन की वजह से ये इरेडिकेट कर दिया गया है। पूरे विश्व में अब स्मॉल पॉक्स नहीं है। अब ऐसे ही एक लड़ाई चल रही है पोलियो के अगेंस्ट में। दुनिया के करीब करीब सभी कंट्रीज से पोलियो चला गया है, बट फिर भी इसकी वैक्सीनेशन चल रहा है क्योंकि कुछ कंट्रीज़ में अभी भी है। इंडिया अब पोलियो मुक्त है, लेकिन इसकी लेवल ऑफ मतलब निगरानी हम कम कर लेंगे तो हो सकता है ये दोबारा किसी कंट्री से आ सकता है, इसलिए इसकी वैक्सीन अभी भी दी जा रही है। और कोई वैक्सीन 3 बार दिया जाता है, जैसे कि आप लोग सब जानते हैं कि DPT वैक्सीन बचपन में 6 हफ्ता, 10 हफ्ता, 14 हफ्ता का नवजात शिशु को दिया जाता है, और उसके बाद उसका बूस्टर भी देते हैं 1.5 साल में, 5 साल में। और कई वैक्सीन है कि हर साल लिया जाना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल इन्फ्लुएंजा वैक्सीन, हम सब जानते हैं कि फ्लू को इन्फ्लुएंजा की जो वायरसेस होते हैं हर साल वो अपने स्ट्रेन को बदल लेता है, अलग स्ट्रेन आता है जो कि इंसान को पीड़ित करता है।
तो इसीलिए उसका वैक्सीन भी हर साल नया निकलता है और उसकी इम्यूनिटी जो है वो सिर्फ एक साल लास्ट करता है। तो ऐसे कई तरह के वैक्सीन्स हैं और इससे डेफिनेटली बहुत सारे बीमारियां रुकती हैं और ये बहुत ही यूज़फुल है। तो कोरोना वैक्सीन के लिए भी हम बहुत ही आशा लेके बैठे हुए हैं कि शायद हमारी लाइफ कुछ ईजी कर सके। जैसा डॉक्टर बनानी ने बताया कि वैक्सीन की मदद से हम कई बीमारियां, जिसमें स्मॉल पॉक्स जिसे हम चेचक के नाम से जानते थे और पोलियो, विश्व से पूरी खत्म करने में सफल हुए हैं। और अब जो कोरोना की महामारी है उससे लड़ने के लिए, उससे बचाव के लिए कोरोना की वैक्सीन हमारे पास है। तो डॉक्टर प्रेरणा ये बताएं कि किस किस को कोरोना की वैक्सीन लगवानी चाहिए और इसका क्या शेड्यूल होगा। जैसा डॉक्टर बनानी ने बताया कि कुछ वैक्सीन एक बार दी जाती हैं, कुछ दो बार दी जाती हैं, कुछ हर साल दी जाती हैं, तो कोरोना की वैक्सीन जब लगेगी तो इसका क्या शेड्यूल होगा। आइडियली तो ये वैक्सीन सबको लगनी चाहिए फाइनली आगे जाकर, अभी लेकिन हमारे पास क्योंकि बच्चों में और प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग मदर्स के लिए स्टडीज़ नहीं है इनफ सेफ्टी की, तो उनको तो फ़िलहाल नहीं दी जाएगी। उसके अलावा सारे ही पॉपुलेशन को ये लगनी चाहिए। हर एक देश की जो गवर्नमेंट है वो प्रायोरिटाइज़ करके के पहले हेल्थ केयर वर्कर्स, फ्रंटलाइन वर्कर्स, जिन लोगों में कोई और बीमारियाँ हैं जैसे कि डायबिटीज़, हार्ट डिजीज़ वगैरह, उनको, एल्डरली पॉपुलेशन जो सबसे ज़्यादा एट रिस्क हैं, क्योंकि अभी विश्व में किसी के पास भी उतनी वैक्सीन डोजेस नहीं हैं जितनी की लोगों को ज़रूरत है, जितने लोगों को, जितनी पॉपुलेशन है। तो शुरू में ये इस तरह से प्रायोरिटाइज़ करके दी जाएगी, बट येस फाइनली होपफुली वी विल हैव इनफ वैक्सीन के सभी को दी जा सके और सबको अल्टीमेटली मिलनी चाहिए। जहाँ तक शेड्यूल का सवाल है, अभी तक जो हमारे पास वैक्सीन्स हैं उनके सबके दो डोजेज़ हैं जो कि हमें चाहिए एडिक्वेट प्रोटेक्शन के लिए। कुछ के दो डोजेस 21 दिन मतलब 3 हफ्ते अपार्ट हैं और कुछ के दो डोजेस 28 दिन मतलब 4 हफ्ते 1 महीने के अंतरवल पर दिए जाने का जो है देने हैं। तो अभी तक तो हमारे पास ये शेड्यूल है। आगे चलकर कितना इसको रिपीट करना पड़ेगा ये डिपेंड करेगा कि कितने दिनों तक ये सेफ्टी प्रदान करती है। सो वी विल हैव टू सी दैट। जैसा डॉक्टर प्रेरणा ने बताया कि कुछ वर्ग जैसे छोटे बच्चे, गर्भवती महिलाएं या वो महिलाएं जो अपने बच्चों को स्तनपान करा रही हैं, उनके बारे में इस वैक्सीन की सेफ्टी की अभी हमें जानकारी नहीं है। उसके अलावा हर व्यक्ति को ये वैक्सीन लगवानी चाहिए और लगवानी होगी, प्राथमिकताएं सरकार निर्धारित करेगी। डॉक्टर अमिता ये बताएं कि जब ये वैक्सीन लगेगी तो इससे बीमारी, कोरोना की बीमारी का कब और कितना बचाव हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू डॉक्टर कपूर। जब भी हम वैक्सीन देते हैं हमारी इच्छा तो होती है कि 100% बीमारी की रोकथाम हो, पर बहुत ही कम वैक्सीन हैं जो हमको 100% प्रोटेक्शन देते हैं। तो जब कोरोना COVID-19 का वैक्सीन बनाया जा रहा था तब सब लोगों ने ये डिसाइड किया कि यदि 50% प्रोटेक्शन भी हो तो हमारे लिए पर्याप्त है, उस वैक्सीन को हम यूज़ करेंगे। बट फाइनली हम लोग को बहुत अच्छे वैक्सीन मिले हैं, जो mRNA वैक्सीन जो यूज़ हो रहे हैं फाइज़र और मोडर्ना के, उनकी एफिकेसी ऑलमोस्ट 95% है। जो वैक्सीन हमारे देश में यूज़ होने वाला है अगले कुछ दिनों में, उसकी भी एफिकेसी करीब 70% बताई जाती है। उसका कुछ वेरिएबल है, कुछ कंट्रीज़ में उसका 60% दिखाया गया है, कहीं पर 90% दिखाया गया है। तो हम आशा करते हैं कि उसकी भी एफिकेसी 70-75% ज़रूर होगी। और जो वैक्सीन अभी बन रहे हैं, जो पाइपलाइन में हैं, उनकी भी एफिकेसी की जो एक्सपेक्टेशंस हैं वो ये हैं कि करीब 70 से ऊपर ही रहेगी, 70 से लेकर 90-95% तक। अब ये है कि कितनी दिन तक ये वैक्सीन इफ़ेक्टिव रहेगा और हमें प्रोटेक्ट करेगा, इसके बारे में हमारे पास इन्फॉर्मेशन अभी कम है। मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन हमारे पास 4-6 महीने की है, जो वो भी उन व्यक्तियों में जिनको शुरू में वैक्सीन मिल गया था। तो हम लोग को देखना पड़ेगा
कि ये वैक्सीन कितने दिन तक हमको प्रोटेक्शन देता है, क्या हमें हर 6 महीने में लेना पड़ेगा, क्या हर साल में लेना पड़ेगा और आगे क्या करना पड़ेगा। अब दूसरा प्रश्न ये होता है कि कितनी जल्दी हमको इस वैक्सीन से प्रोटेक्शन मिलती है, तो वो कुछ वैक्सीन्स पे डिपेंड करेगा कि क्या तरह का वैक्सीन है। पर जो अभी डेटा है, स्पेशली जो mRNA वैक्सीन्स, क्योंकि उनकी ट्रायल ज़्यादा लोगों में की गई है, उसमें ये दिखाया गया है कि सेकेंड डोज लगने के बाद यदि आप पहले 7 दिन तक सेकेंड डोज के देखें तो प्रोटेक्शन करीब 50-52% है, और यदि हम 7 दिन के बाद देखें सेकेंड डोज के बाद, तब प्रोटेक्शन अराउंड 90% है। तो इसका मतलब यही है कि प्रोटेक्शन टाइम के साथ थोड़ी बढ़ती है सेकेंड डोज के बाद, और कितने देर रहेगी यही हम लोग को देखना है आगे। इसमें कोई दो राय नहीं है कि वैक्सीन से इस बीमारी का काफ़ी हद तक बचाव होगा, लेकिन ये भी जानना और समझना ज़रूरी है कि वैक्सीन आने के बाद, वैक्सीन के इस्तेमाल के बाद, हम पहले जैसा जीवन जी पाएंगे ऐसा होने में अभी समय लगेगा। तो डॉक्टर बनानी, ये बताएं कि एक बार जब वैक्सीन का लगना शुरू हो जाएगा तो क्या हमारी जीवन प्रक्रिया जो हम इस समय कर रहे हैं उसमें बिल्कुल बदलाव आ जाएगा? क्या हम पहले जैसी, कोरोना से पहले जैसी स्थिति में चले जाएंगे, या अभी भी ये सब सावधानियां लेना ज़रूरी होगा? बहुत अच्छा प्रश्न पूछा आपने, और मैं श्योर हूँ कि सबके मन में यही प्रश्न है, लेकिन एक्सपर्ट्स कहते हैं कि 1-1.5 साल तक हमें प्रोटेक्शन लेके रहना है। जैसे कि डॉक्टर अमिता ने बोला कि हमें ये नहीं पता है कि कितना देर तक हम सेफ रहेंगे, कितनी देर तक हम सेफ रहेंगे इस वैक्सीन के साथ, नंबर वन। और नंबर टू, ये हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि पूरी कंट्री को तो एक साथ वैक्सीन नहीं लग रहा है, पूरा विश्व को तो एक साथ वैक्सीन नहीं लग रहा है। तो इसलिए ज़रूरी है कि हम जो प्रथा अब यूज़ कर रहे हैं, जैसे कि हम एक दूसरे से बहुत ज़्यादा मिलते नहीं हैं, डिस्टेंस रखते हैं, मास्क पहनते हैं और हाथ धोते हैं, ये 3 चीज़ों का यूज़ बिल्कुल करना पड़ेगा हमें, और कम से कम 1-1.5 साल तक करना पड़ेगा। जब हम देखेंगे कि हाँ, वैक्सीन करीब करीब 70-80% पॉपुलेशन को लग चुका है, सिर्फ इंडिया में ही नहीं पूरे विश्व में, तब हम सोच सकते हैं कि हाँ, अब हम अपनी पूरी पुरानी जैसे लाइफ स्टाइल जीते थे वैसे हम जी पाते हैं, लेकिन तब तक तो हमें सावधानी ही रखना पड़ेगा। कोरोना की वैक्सीन की सेफ्टी, यानी वो कितनी सुरक्षित है, इसके बारे में बहुत सी गलत धारणाएं लोगों में इस समय फैल रही हैं। डॉक्टर प्रेरणा, ये बताएं कि जो अभी वैक्सीन डेवलप हुई हैं हमारे देश में और विश्व में, उनका सेफ्टी प्रोफाइल, यानी वो कितनी सुरक्षित हैं, उनसे क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, इसके बारे में हमें क्या जानकारी? ये सवाल शायद सभी लोग जो वैक्सीन का उत्सुकता से इंतज़ार कर रहे हैं उनके जहन में अपर मोस्ट है कि वैक्सीन लगवाऊं या नहीं, और क्या क्या साइड इफ़ेक्ट्स होंगे, ये सेफ़ है या नहीं। तो इसमें, इसके दो पार्ट्स हैं। पहली बात ये कि जब भी हम कोई भी वैक्सीन लगाते हैं तो हमेशा थोड़ा बहुत लोकल साइड इफ़ेक्ट्स होते ही हैं। हम सब ने देखा है कि जब हमने अपने बच्चों को बचपन में DPT का टीका फॉर एग्ज़ाम्पल लगवाया, तो बच्चे को थोड़ा बहुत बुखार आना, दर्द होना वगैरह होता है। हमने उनको पैरासीटामोल का सिरप पिलाया और एक आध दिन में वो ठीक हो गया, क्योंकि वैक्सीन का काम ही देखिए यही है, टू प्रोड्यूस अ वेरी वेरी माइल्ड इलनेस, इतना हल्का सा एक तरह से बीमारी करना कि जिसकी, जिससे कि सीरियस बीमारी भी ना हो और एंटीबॉडीज़ भी पैदा हो। तो उसी तरह से कोरोना वायरस वैक्सीन में भी ये वाली परेशानी, थोड़ी बहुत लोकल साइड इफ़ेक्ट जिसे हम कहते हैं नॉन सीरियस लोकल साइड इफ़ेक्ट्स, के बॉडी में दर्द होना, शरीर में दर्द होना, थोड़ा बहुत बुखार जैसा फील होना, जिस बाजू में लगा है उसमें थोड़ा सा दर्द होना, सोरनेस होना, ये सारे साइड इफ़ेक्ट 1-2 दिन तक लोगों में देखे गए हैं।
इसके लिए पैरासिटामोल देने से ज़्यादातर लोगों को इसमें आराम आ गया है। हम ये इसलिए भी जानते हैं कि हमारे बहुत से डॉक्टर दोस्तों को अमेरिका और यूरोप में ऑलरेडी वैक्सीन पिछले एक महीने में कुछ लोगों को मिल गई है और उन लोगों में ये साइड इफ़ेक्ट देखे गए हैं। जहाँ तक लॉन्ग टर्म साइड इफ़ेक्ट्स और सेफ्टी का सवाल है, अभी तक जितने भी ट्रायल हुए हैं कोई सीरियस एडवर्स इफ़ेक्ट खास नहीं देखे गए हैं। बट वेरी लॉन्ग टर्म, लाइक डॉक्टर अमिता ऑल्सो सेड के वी डोंट हैव, बहुत लॉन्ग टर्म हमारे पास अभी डेटा सेफ्टी और एफिकेसी दोनों में ही नहीं है। वी होप फॉर द बेस्ट कि आगे लॉन्ग टर्म में जाकर भी ये वैक्सीन जो हैं वो सेफ ही रहेंगी, क्योंकि ट्रायल पॉपुलेशन में सेफ पाई गई थी। जैसा हमने डिस्कस किया कि भविष्य में तो सभी लोगों को ये वैक्सीन लगवानी होगी, सरकार उसकी प्राथमिकताएं निर्धारित करेगी कि पहले किसको लगे और बाद में किसको लगे, लेकिन कुछ वर्ग हैं कि जिसमें वैक्सीन अभी नहीं लगाई जा सकती, क्योंकि जो रिसर्च हुई है उससे इन वर्गों के बारे में हमें जानकारी नहीं मिली है। तो डॉक्टर बनानी, ख़ासतौर से महिलाओं, बच्चों और महिलाओं में कौन से वर्ग हैं कि जिनको अभी वैक्सीन लगवाना सुरक्षित नहीं है? 18 साल के नीचे जो बच्चे हैं उनमें बहुत कम डेटा है, बल्कि डेटा नहीं है, तो इनमें तो हम अभी वैक्सीन नहीं लगवाएंगे। 12 साल के बच्चों, 12 से 18 साल के बच्चों में अभी स्टडीज शुरू हुई है, तो उम्मीद है कि कुछ दिनों में पता चल जाएगा कि इनमें वैक्सीन लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए, और उनकी सेफ्टी देखा जाएगा तो तब उनमें हम लगा सकते हैं। अच्छी बात यह है कि ये बीमारी बच्चों को बहुत बुरी तरह से ग्रसित नहीं किया है, तो इसीलिए हम बच्चों को अगर नहीं भी देते तो फिलहाल के लिए ये ठीक है। जो जैसे कि पहले भी बताया गया है कि गर्भवती महिलाएं और जो बच्चों को दूध पिला रहे हैं उनको भी नहीं देंगे, और कुछ ऐसे पेशेंट्स हैं जिनको दवाइयां दी जाती हैं जिससे उनके इन्फेक्शन लड़ने की क्षमता कम हो जाती है, या उनके बीमारी अगर ऐसा है कि उनके इन्फेक्शन लड़ने की क्षमता कम है, उनमें भी फिलहाल ये वैक्सीन नहीं दी जाएगी क्योंकि उनमें भी कोई डेटा नहीं है। जनरली भी ऐसे पेशेंट में वैक्सीन देने से पहले ये डॉक्टर जो उस पेशेंट को देख रहे हैं वो निर्धारित करते हैं कि इनको वैक्सीन मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए, और हर वैक्सीन का अलग राय होता है कि किसको मिलना चाहिए या नहीं। सो बेस्ट ये है कि किसी को अगर लॉन्ग टर्म कोई बीमारी है वो अपने डॉक्टर से सलाह ले ले कि ये वैक्सीन लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए, अगर वो 18 साल के ऊपर है और शरीर में कोई बीमारी है तो ज़रूर वो अपने डॉक्टर से सलाह ले ले। तो जैसा डॉक्टर बनानी ने बताया कि बच्चे जो 18 साल से कम हैं उनको अभी फ़िलहाल ये वैक्सीन नहीं लगेगी। जो महिलाएं गर्भवती हैं या अपने छोटे बच्चों को स्तनपान करा रही हैं, वो ज़रूरी है कि जब उनको वैक्सीन लगाने के लिए कोई स्वास्थ्यकर्मी आए उनके पास तो वो बताएं कि वो गर्भवती हैं या अपने बच्चे को स्तनपान करा रही हैं। जिन लोगों को कोई पुरानी बीमारी, लंबी बीमारी है या वो बहुत समय से कोई दवाइयां ले रहे हैं, तो बेहतर होगा कि आप अपने डॉक्टर या स्वास्थ्यकर्मी को ये जानकारी दे दें और वो डॉक्टर या स्वास्थ्यकर्मी फिर देखकर आपको बताएंगे कि आपको वैक्सीन लगवानी चाहिए अथवा नहीं। पिछले कुछ महीनों और एक साल में हमारे देश में बहुत से लोगों को कोरोना की बीमारी ने जकड़ा और सब आगे से वो उससे निकल भी आए। हमारे परिवार के सदस्य हों, चाहे हमारे मित्र हों, चाहे हमारे जान पहचान के लोग हों या पड़ोसी हों, तो जिन लोगों को कोरोना की बीमारी हो चुकी है और वो उससे रिकवर कर चुके हैं, उनके मन में एक ये डाउट है कि उनको वैक्सीन लगवानी है या नहीं। डॉक्टर अमिता, इस बारे में आपकी क्या राय है कि जो कोरोना से रिकवर कर चुके हैं उनको वैक्सीन लगवानी है या नहीं, और क्या ये ज़रूरी होगा कि वैक्सीन लगवाने से पहले हर व्यक्ति का या जिनको कोरोना बीमारी पहले हो चुकी है उनका पहले एंटीबॉडी का लेवल टेस्ट किया जाए? थैंक यू डॉक्टर विनय।
मतलब हम लोग यही सोचते हैं कि जब हमको एक बार बीमारी हो चुकी है और हमारे अंदर उसके अगेंस्ट इम्यूनिटी बन चुकी है तो हम क्यों दोबारा वैक्सीन लगाएं। बट जैसा आप लोगों ने अखबारों में पढ़ा होगा कि कुछ लोगों को दोबारा भी इन्फेक्शन हो रहा है, इसका तात्पर्य ये है कि हम लोगों में इन्फेक्शन होने के बावजूद भी प्रोटेक्टिव इम्यूनिटी नहीं डेवलप हुई, इसीलिए हमको दोबारा इन्फेक्शन हुआ। तो जब हम वैक्सीन बनाते हैं, वैक्सीन के अंदर हम लोग कई चीज़ें डालते हैं जिससे कि जो प्रोटेक्शन होती है वो ज़्यादा रोबस्ट होती है, ज़्यादा अच्छी होती है। तो इसीलिए जिनको इन्फेक्शन हो भी चुका है उनको ज़रूरी है कि वो भी वैक्सीन लें, वो उनके लिए फ़ायदेमंद ही रहेगा, उसका कोई साइड इफ़ेक्ट होने के चांसेस एकदम शून्य के बराबर हैं। अब दूसरा प्रश्न आपका कि भाई हमको एंटीबॉडी टेस्ट करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। बेशक ये है कि यदि आपका एंटीबॉडी टाइटर बहुत हाई है तो आपको होपफुली अच्छी प्रोटेक्शन है, पर ये हम लोग को पता नहीं है कि एक बार इन्फेक्शन होने के बाद किस आदमी में कितनी एंटीबॉडी बनती है, कितनी देर रहती है, और वो एंटीबॉडी सचमुच प्रोटेक्टिव है कि नहीं है। इसीलिए अभी यही अच्छा है कि यदि आपको बेशक इन्फेक्शन हो चुका है या नहीं भी हुआ है तो एंटीबॉडी टेस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप जाकर वैक्सीन लें और अपने को बेहतर से बेहतर प्रोटेक्ट करें। जैसा हमने आपको बताया कि 18 साल से कम उम्र के जो बच्चे हैं उनमें क्योंकि अभी इस वैक्सीन के बारे में बहुत ज़्यादा शोध नहीं हुआ है, इसलिए अभी उस वर्ग के बच्चों को ये वैक्सीन नहीं दी जाएगी। इसी तरह से मन में एक सवाल खड़ा होता है कि जो बहुत बुजुर्ग लोग हैं, 70-80 साल से ऊपर के लोग हैं जिनमें कोरोना का होने का भी और उसकी ज़्यादा बीमारी होने का भी रिस्क ज़्यादा है, क्या उनको वैक्सीन लगाना सेफ रहेगा, क्या उनको वैक्सीन लगानी चाहिए? डॉक्टर प्रेरणा, इस बारे में रिसर्च क्या कहती है कि जो बहुत बुजुर्ग लोग हैं उनमें कोरोना की वैक्सीन का क्या उपयोग होगा? सर, आपके सवाल में ही एक्चुअली जवाब है कि बुज़ुर्ग लोग तो एक प्रायोरिटी पॉपुलेशन है, क्योंकि यदि उनको कोरोना हो जाए तो उनमें जो है सीवियर कोरोना होने का और डेथ होने का चांस ज़्यादा है, तो इसलिए वो एक प्रायोरिटी पॉपुलेशन है जिनको वैक्सीन दी जानी चाहिए। अभी तक जो ट्रायल्स हुए और जो वैक्सीन दी भी गई है एल्डरली में सेफ़ ओवरऑल पाई गई है, सो एल्डरली इज़ वन ऑफ द ग्रुप्स जिनको के वैक्सीन देनी चाहिए। और हमने बहुत सारे तस्वीरें भी देखी हैं USA में 82 ईयर ओल्ड्स वगैरह को लगते हुए, तो हाँ एल्डरली पॉपुलेशन को, बुज़ुर्ग लोगों को वैक्सीन मिलनी चाहिए। जब हमारे देश में कोरोना के मरीजों की संख्या कम हो रही थी तभी जैसा हमने पहले कहा कि खबर आई कि कोरोना ने अपना रूप बदल लिया है, एक नया स्ट्रेन जो बहुत जल्दी और बहुत तेज़ी से फैल सकता है वो इंग्लैंड से शुरू हुआ और फिर विश्व के कई देशों में हमारे देश में भी आ गया। तो डॉक्टर अमिता, क्योंकि ये वैक्सीन की प्रक्रिया तो जब ये नया स्ट्रेन आया उसके पहले शुरू हो गई थी, तो ये भी मन में एक लोगों के सवाल खड़ा हो रहा है कि क्या वैक्सीन इस स्ट्रेन से भी हमारा बचाव कर पाएगी? बेसिकली जब वो वायरसेस होते हैं क्योंकि वो बहुत जल्दी बार बार मल्टीप्लाई करते हैं, और जब मल्टीप्लाई करते हैं तो उसमें कुछ कुछ गड़बड़ी होती जाती है, और जब नॉर्मली क्या होता है कि बहुत कम गड़बड़ होता है उसमें, बहुत कम चेंज होता है, तो उसको हम लोग अलग स्ट्रेन नहीं बनता है। जब उसमें बहुत ज़्यादा चेंज हो जाता है तब हम उसको म्यूटेंट स्ट्रेन बोलते हैं। तो जो वायरस का पर्पज़ है उसका पर्पज़ है हमारे साथ रहना, वो चाहते हैं, वायरस चाहता है कि जितने से जितने लोगों को इन्फेक्शन कर सके, तो वो अपने को रूप को बदलता रहता है। और जनरली ये देखा गया है कि मोस्ट वायरल इन्फेक्शंस में धीरे धीरे वायरस की जो सिवेरिटी होती है डिजीज़ की वो कम हो जाती है और इन्फेक्टिविटी बढ़ सकती है। और क्योंकि ये जो प्रोसेस है एकदम रैंडम है, उसमें वायरस की वो अगेंस्ट भी जा सकता है कि वो ऐसा स्ट्रेन बन जाए जो कि एकदम ही काम लायक नहीं है वायरस के लिए। और दूसरा तरीका है जैसे कि जो UK में हुआ, उसके कारण अब वायरस ज़्यादा इन्फेक्टिविटी हो गई उसकी। यदि हम नॉर्मल वायरस जो पहले चल रहा था उसका 1 लें तो इसकी 1.7 टाइम्स है, तो ये ज़्यादा इन्फेक्ट कर रहा है तभी नंबर बहुत इंक्रीज़ हो रहे हैं। पर इसमें एक चीज़ देखी गई है कि ये डिज़ीज़ की सिवेरिटी के ऊपर कोई असर नहीं पड़ा है, ये नहीं कि म्यूटेंट वायरस ज़्यादा सीवियर डिजीज़ कर रहा है। अब रही बात कि वैक्सीन जो हमने पहले बनाए
वो इसके अगेंस्ट काम करेंगे कि नहीं करेंगे। जो विशेषज्ञों का मानना है कि मोस्टली जो वैक्सीन है, स्पेशली जो किल्ड वैक्सीन है, जो वैक्सीन वेक्टर वैक्सीन हैं, वो सब काम करेंगे। और मोस्ट लाइकली जो mRNA वैक्सीन जो यूज़ हो रहे हैं फाइज़र के और मॉडर्ना के, वो भी काम करेंगे। यदि ये पाया गया कि इनके अंदर कम इम्यूनिटी बन रही है, तो mRNA वैक्सीन को चेंज करने में ज़्यादा समय नहीं लगता है, तो जल्दी से चेंज किया जा सकता है। जैसे हम लोग फ्लू वैक्सीन को, फ्लू वैक्सीन हर साल नया बनता है क्योंकि थोड़ा चेंज होता रहता है फ्लू वायरस, इस तरह इसके लिए भी शायद हमको वैसा ही करना पड़े, पर अभी बहुत जल्दी है कुछ कहने के लिए। हमारे सरकार ने जो कदम लिए और जनता ने जिस तरह से उसने योगदान दिया, हमारे स्वास्थ्य कर्मियों ने जो कार्य किया, उसकी वजह से हमारे देश में सौभाग्यवश कोरोना के मरीजों की संख्या पिछले दिनों में कम हो रही थी, कम हो रही है। और अब ये उम्मीद है कि वैक्सीन के आ जाने से और उसके प्रयोग से हम इस बीमारी को काफ़ी हद तक कंट्रोल कर पाएंगे और अंत में इससे विजय पा पाएंगे। वैक्सीन सबसे पहले जो स्वास्थ्य कर्मी हैं या दूसरे कर्मी हैं जो इस बीमारी से लड़ाई में लगे हुए हैं, उनको दी जाएगी। उसके बाद जो हाई रिस्क ग्रुप है, जैसा हमारे विशेषज्ञों ने बताया, जो ज़्यादा उम्र के लोग हैं, जिनको और बीमारियां हैं, जिनको कोरोना होने का और उसके तेज होने का या उससे मृत्यु का डर ज़्यादा है, उनको पहले दी जाएगी। लेकिन ये समझना ज़रूरी है कि वैक्सीन लगाने के बाद भी इस बीमारी से न आपको और न आपके परिवार को 100% बचाव है। जो इस बीमारी से बचने के तरीके आज की तारीख में हम इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे कि जब तक ज़रूरी ना हो बाहर ना जाना, जिससे कि जगहों पर भीड़ ना हो, जहां भीड़ भाड़ है वहां ना जाना, हमेशा घर से बाहर मास्क का प्रयोग करना, और जब आप बाहर से घर आते हैं तो या तो साबुन और पानी से या सैनिटाइजर से हाथ को साफ करना, ये सब सावधानियाँ अभी कुछ महीने और जैसा हमारे विशेषज्ञ ने बताया, हो सकता है इस साल भी हमें बरतनी पड़े, जिससे कि हम न सिर्फ अपना, अपने परिवार, अपने मित्रों, अपने पड़ोसियों और अपने देशवासियों को इस बीमारी से आगे बचा सकें। इन शब्दों के साथ आज के इस अंक को मैं समाप्त करता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार।